चलिए देखते हैं कि हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो ये है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ट्रे, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमने रखे हैं। तो इसमें रखेंगे हम सबसे पहले एक लास्ट ट्रे, जिसमें हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो लास्ट ट्रे विद लीड हो सकती है और विदाउट लीड भी हो सकती है। तो मोस्टली हमें ऐसा करना चाहिए कि विद लीड यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं। साथ में रख लेंगे हम दो गैलीपॉड्स या फिर स्मॉल बाउल और दो किडनी ट्रे, और साथ में रखते हैं हम टावल क्लिप्स। टावल क्लिप्स होते हैं हमारे अलग अलग तरह के, जैसे कि बैक वॉश, मायो और क्रॉस टैक्सिंग। तो जिस भी तरह का हम टावल क्लिप यूज़ करते हैं तो सब एक जैसे ही टावल क्लिप यूज़ करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डायलेटर की, कि हम क्या डायलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह के डायलेटर यूज़ होते हैं, जैसे कि हैंक्स सर्वाइकल डायलेटर, जिसको अलग अलग साइज़ के होते हैं, साइज़ 9 से 20 तक का ये स्टार्ट होता है। और हमारे पास होता है एक गॉडेल्स डायलेटर, जो कि एक सेल्फ रिटेनिंग डायलेटर होता है। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं सर्विक्स को डायलेट करने के लिए। और हमारे पास होते हैं हैगर्स सर्वाइकल डायलेटर, जो कि कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलते हैं, और इनकी मदद से हम सर्विक्स को डायलेट कर देते हैं। ये भी अलग अलग साइज़ के होते हैं, 2.5 से लेकर 12 तक का इनका साइज़ होता है, जिससे हम सर्विक्स को डायलेट कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं वजैनल स्पेकुलम की। वजैनल स्पेकुलम अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो सिम्स वजैनल स्पेकुलम और ईस्टमैन वजैनल स्पेकुलम और ऑवर्ड वैट स्पेकुलम, तो इस तरह से ये देखने के लिए मिल जाते हैं। तो डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। ईस्टमैन वजैनल रिट्रैक्टर कुछ इस तरह से देखने के लिए आपको मिलता है, इसको हम रख सकते हैं उस सेट में। और सिम्स वजैनल रिट्रैक्टर कुछ इस तरह से होते हैं, ये भी अलग अलग साइज़ के होते हैं, छोटा बड़ा और उससे बड़ा। और साथ में हम रखते हैं ऑवर्ड वेटेड स्पेकुलम, जो कि कुछ इस तरह से देखने के लिए हमें मिलता है। और हमारे पास आता है एक सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम, जिसको बोलते हैं कस्को स्पेकुलम, जो कि कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है। इसको भी हम अपने डीएनसी सेट में यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम रखते हैं मेटल कैथेटर, जो कि कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है। अगली पिक्चर में आप देखेंगे कि किस कैसा है ये। तो इस तरह से हमें मेटल कैथेटर देखने के लिए मिलेगा। और रख सकते हैं सेट में एंटीरियर पोस्टीरियर वजैनल वॉल रिट्रैक्टर, जो कि इस तरह से देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं क्यूरेट की। तो हमारे पास अलग अलग तरह की क्यूरेट होती हैं, जैसे कि थॉमस और सिम्स शार्प और हिने सेरेटेट। तो हिने सेरेटेट क्यूरेट कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाती है, जिसके कि सामने पर लूप जो बना है वो कांटे की तरह उभार है उसमें। सिम्स शार्प यूट्राइन क्यूरेट जो है वो कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाती है, और थॉमस डल यूट्राइन क्यूरेट हमें कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाती है। यह डबल एंडेड यूट्राइन क्यूरेट, इसके दोनों साइड में लूप बना होता है, और जो कि क्यूरेट करने का काम आता है, और साथ में इसमें यूट्राइन साउंड भी रखा गया है। यह यूट्राइन क्यूरेट सिंगल एंडेड। अब ये है हमारे पास यूट्राइन साउंड, जो कि मेज़र करने के काम आता है लेंथ को। तो इसमें मेज़र करने के लिए पॉइंट बने होते हैं, मेजरमेंट बना होता है, जो इस तरह से देखने के लिए हमें मिलता है। साथ में हम रख सकते हैं टेनोकुलम फोर्सेप स्ट्रेट और कर्व्ड, जो कि कुछ इस तरह से देखने के लिए हमें मिलती है। एक हमारे पास होती है पॉली फोर्सेप, जो कि स्ट्रेट हो सकती है, कर्व्ड हो सकती है, ये स्पंज होल्डर की तरह ही देखने के लिए हमें मिलते हैं। साथ में हम रखेंगे टर्नर वार्विक रीनल स्टोन फोर्सेप, जो कि कर्व्ड होती है और स्ट्रेट होती है। ये हमारे पास स्पंज होल्डर फोर्सेप, जो इस तरह से है पॉली फोर्सेप की तरह। बीपी हैंडल साथ में रखेंगे हम 3 नंबर का और 4 नंबर का रख सकते हैं। साथ में हम रखेंगे कॉकर फोर्सेप, जो कि स्ट्रेट और कर्व होती है, इन्हें हम सेट बनाकर रखेंगे 4 लार्ज कॉकर। और मॉस्किटो फोर्सेप कर्व्ड और स्ट्रेट होती है, जिनको भी हम 4-4 का सेट बना देंगे, 4 कर्व्ड और 4 स्ट्रेट। आर्टरी फोर्सेप मॉस्किटो फोर्सेप का ही बड़ा भाई होता है और थोड़ा सा लॉन्ग होती है, ये भी कर्व्ड और स्ट्रेट होती है, इनका भी हम 4 सेट रख सकते हैं। बैबकॉक कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिल जाता है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं डीएनसी सेट में। इसको भी हम लार्ज, मीडियम और स्मॉल 3 पीस में यूज़ कर सकते हैं। साथ में रखते हैं मेडजेनबम सीजर, जो कि स्ट्रेट होती है और कर्व्ड होती है। मायो सीजर होती है, वो भी स्ट्रेट एंड कर्व्ड दोनों तरह की आती हैं, तो इनको भी हम उसमें रख सकते हैं। एक होते हैं हमारे पास फाइन टिप, जो कि स्टैंडर्ड सीजर होती है, वो रख सकते हैं, और एक होती है स्ट्रैबिसमस सीजर, ये सब सूचर कटिंग करने के लिए यूज़ होती है। अब रखेंगे हम साथ में नीडल होल्डर, जो कि कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसके माउथ देखिए किस तरह से है, जो कि नीडल को होल्ड करने का काम आता है, इसे बोलते हैं मायो हैगर्स नीडल होल्डर। और साथ में रखेंगे हम थंब फोर्सेप, जो कि कुछ इस तरह से देखने के लिए होती है, 2 तरह की होती हैं, प्लेन और टूथ। तो प्लेन उसमें होगा और टूथ में इसके आगे पे दांत बना हुआ, ये हमारे पास प्लेन फोर्सेप, और जो इससे पहले जो हमने देखी थी उसके मुंह पर दांत सा बना था। एक तरह की फोर्सेप होती है जो ऑटोमेटिक फोर्सेप होगी, वो हमारे पास डिबे की होगी, वो शार्प होगी आगे से पॉइंटेड टिप वाली। साथ में हम रख लेंगे एलिस फोर्सेप, जो कि कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलेगी, इसके मुंह पर भी दांत बने होते हैं, तो इसका भी एक 4 का सेट बना लेंगे। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट थे। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे @t4technohealth, और FB में मेरे पेज को सपोर्ट कीजिए, जो कि है t4technohealth। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।